देख सकते हैं जो महिलाएं हैं दीप प्रज्वलित करते हुए नजर आ रही है, जो महिलाएं हैं जो आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर जो भी गांव के सरपंच महिलाएं हैं, जो नव निर्वाचित सरपंच है, ब्लॉक समिति सदस्य हैं या फिर जिला परिषद की जो भी महिलाएं सदस्य है चुनकर का ये उनके द्वारा यहाँ पर दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं इस टाइम पर गाँव कलसोरा से HGN 24 के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वीमन एम्पावर डे के उपलक्ष में, जो आपको पता है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, उसके उपलक्ष में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा प्रोग्राम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। जो नव निर्वाचित सरपंच है सभी गाँव से और ब्लॉक समिति के सदस्य है, जिला परिषद चेयरमैन है, जिला परिषद के जो सदस्य है, जो आज के जो मुख्य अतिथि है परवेश कुमारी जी जिला परिषद सदस्य है, वो यहाँ पर दीप प्रज्वलित करने के लिए पहुंचे। और तमाम जो खबर आप देख रहे हैं खबरों को देखते ही शेयर करिएगा, खबर को देखते ही शेयर करें हम। कलसोरा गांव में जो महिलाएं हैं वो यहां पर महिला सशक्तिकरण दिवस के उपलक्ष में जो है महिला सशक्तिकरण दिवस के उपलक्ष में जो है यहां पर ढोलकी बजाकर गाना गाकर जो है एंजॉय करती नजर आ रही है सभी महिलाएं। आप देख रहे हैं इस टाइम पर तस्वीरें आप देख रहे हैं कलसोरा गाँव से, तो खबर को देखते ही शेयर करिएगा। इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं HGN 24 पर कलसोरा गांव से, HGN 24 पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कलसोरा गांव से, जहां सभी महिलाएं जो हैं वो यहां पर एंजॉय करती नजर आ रही है। आपको और भी चीजें दिखाएंगे, यहां पर बड़ी बड़ी स्टॉल लगी हुई है, मेला लगाया गया है, महिलाओं के द्वारा जो है मेले का आयोजन किया गया है, जहां पर विभिन्न प्रकार की स्टॉल यहाँ पर लगाई गई है, विभिन्न प्रकार की स्टॉल यहाँ पर लगाई गई है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं HGN 24 के माध्यम से, खबर को देखते ही शेयर करिएगा, खबर को देखते ही शेयर करिएगा। जो भी महिलाएं हैं वो यहाँ पर अपने बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंची हुई है, और आपको इसके बाद दिखाएंगे मेले का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। और जो यहाँ पर अर्पणा संस्था की तमाम महिलाएं हैं जो इस भटनागर जी है वो यहाँ पर महिलाओं को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप कलसोरा गांव से, खबर को देखते ही शेयर करिएगा HGN 24 के माध्यम से। हम बड़े मजे से लेते हैं और लेकर अपनी जिंदगी में अपने परिवारों में खुशहाली लाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर आपसे पूछा है जी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है गेम का आयोजन किया जा रहा है, जो आप देख सकते हैं जो इस भटनागर जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अर्पणा संस्था के उनके द्वारा यहाँ पर एक गेम का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर जो कलसोरा से सरपंच हैं वो यहाँ पर गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में, लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वाह जी वाह। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सरपंचों का जो है वो कह रहा है कि हरिद्वार घूमने जाएंगे पतिदेव के साथ जो है हरिद्वार घूमने जाएंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कलसोरा गांव से, जो नव निर्वाचित सभी सरपंच है उनके द्वारा यहां पर उनके साथ यहां पर जो है गेम कराया जा रहा है, खेल कराया जा रहा है। और जो यहां पर आप देख रहे हैं अर्चना जी हैं, हरविंदर कल्याण जी हैं विधायक घरुंडा से, उनकी पुत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं आज। अर्चना जी हैं हरविंदर कल्याण की जो पुत्री है वो एज एन चीफ गेस्ट यहाँ पर पहुंचे हुए। तो तस्वीरें देखते ही शेयर करिएगा, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं HGN 24 के माध्यम से, खबर को देखते ही शेयर करिएगा। इससे मैम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कलसोरा गांव से, जहाँ पर अर्चना अर्पणा संस्था के द्वारा जो है यहाँ पर तो जितनी भी महिला सरपंच अब की बार चुन करके आए हैं उनके द्वारा यहाँ पर उनको चीफ गेस्ट यहाँ पर बनाया गया है। महिलाओं का प्रोग्राम है और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा कहीं ना कहीं प्रेरणा दी जा रही है। सभी जितनी भी आप देख रहे हैं महिलाएं हैं, सभी महिलाएं सरपंच यहाँ पर चुन करके आई है, जो भी इंद्री ब्लॉक की, तो वहाँ के प्रत्येक गाँव से जो सरपंच है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो खबर को देखते ही शेयर करेगा, तस्वीरें आप देख रहे हैं कलसोरा गाँव से। नीतू देवी जी हैं नोरता गांव से सरपंच है, नीतू देवी जी नोरता गांव से सरपंच है। आपके जीवन का वाह जी वाह, आपके जीवन का सबसे खुशी वाला दिन कौन सा रहा है? तो यहां पर जो सरपंच है नोरता से उनसे पूछा गया, उन्होंने बताया कि बच्चों का जन्मदिन यहां पर सबसे खुशहाली का दिन रहा है। तो खबर को देखते ही शेयर करिएगा HGN 24 के माध्यम से, आप तस्वीरें देख रहे हैं। रेशमा रानी जो गाँव मखाली से सरपंच है, पुष्पा नाम है यहाँ पर, नाम भी जो है सरपंच जितने भी नव निर्वाचित सरपंच उनके नाम भी यहाँ पर गलत लिखे गए हैं, फिर भी सही करने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं इनका आने वाला जो अगला प्रश्न है वो क्या होगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं HGN 24 के माध्यम से। जवाब लंबा है, अगर आपके घर में कोई शादी सामान खरीदना है या कोई निर्णय लेना है तो उसमें किसकी राय सबसे ऊपर रखी जाती है? मेरे हस्बैंड जी,
देखिए जी, घर में अगर कोई भी सामान खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, तो सबसे पहले राय किन की ली जाती है, क्वेश्चन था। उन्होंने बताया कि अपने पति की जो है सबसे पहले पूछ की जाती है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं एचजेन 24 के माध्यम से, खबर को देखते ही शेयर करेगा साथियों। बहुत अच्छा यहाँ पर जो है प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। हाँ सुषमा देवी, नव निर्वाचित सरपंच गांव मुस्सेपुर से। सुषमा देवी जी हैं गांव मुस्सेपुर से जो है नव निर्वाचित सरपंच है। अब देखते हैं उनका जो क्वेश्चन है वो क्या आता है, मैडम अर्चना के द्वारा अगला क्वेश्चन क्या आता है वो देखते हैं जी। खबर को देखते ही शेयर करिएगा। 5 वर्ष के बाद आप अपने गांव में क्या बदलाव देखना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 वर्ष के बाद अपने गांव में गाँव की जो भी समस्याएं हो वो सब दूर हो जाए, हर तरफ खुशहाली हो। तो तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत अच्छा गेम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। खबर को देखते ही शेयर करिएगा। आप भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अर्पणा संस्था से जुड़ सकते हैं। अर्पणा संस्था के द्वारा महिला सशक्तिकरण के उपलक्ष में यहाँ पर आज प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन सरपंच के नाम आता है? चंद्राओ गाँव से सरपंच है सुषमा रानी जी। अब देखते हैं उनका अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। चंद्राओ गाँव से आप देख सकते हैं सरपंच है सुषमा रानी जी। आप सरपंच बने हैं परंतु सरपंची कौन चलाएगा, आप या आपके पति या दोनों मिलकर? दोनों मिलकर। गांव ब्याना आइए जी। अंजू रानी गांव ब्याना से नव निर्वाचित सरपंच है गांव ब्याना से अंजू रानी। देखिए अब उनको क्या क्वेश्चन दिया जाता है और उस पर क्या आंसर आता है, देखिए आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं एचजेएन 24 के माध्यम से कलसोरा गांव से। खबर को देखते ही शेयर करिएगा, खबर को देखते ही शेयर करिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है जी। पसंदीदा फिल्म या टीवी सीरियल कौन सा है? पसंदीदा फिल्म या टीवी सीरियल कौन सा है इनका क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि मैं तो जी ना फिल्म देखती ना टीवी सीरियल, भजन सुनती हो, भजन सुनती हो, और भजन का मतलब है कि अगर भगवान हमारे साथ है तो हमारे को कहीं। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन और उनके आंसर दिए जा रहे हैं, खबर को देखते ही शेयर कर। आइए आपके गांव में अधिक से अधिक लोग ग्राम सभा में आए इसके लिए आप क्या करेंगे? आपके गांव में अधिक से अधिक लोग ग्राम सभा में आए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? ये ग्राम सभा के बारे में बात हो रही है। ग्राम सभा होती है जिसमें गांव में 4 बार होती है 3-3 महीने के बाद, उसमें सभी लोगों की भागीदारी पक्का होती है। और अभी सरपंच साहब कहेंगे बताएंगे कि ये ग्राम सभा में सभी लोग आए उसके लिए क्या करेंगे, मुरादी करवाएंगी या करवाएंगी? ठीक है बताइए। ओके इन्होंने कहा है जी हेजिटेट कर रही है। हाँ सुनिए सुनिए, बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। बोला कि चाहे मेरे गांव का हिंदू हो चाहे मुसलमान हो सारे आए, मतलब सारे इकट्ठा हुए और सारों के लिए सारों की बराबर तरक्की हो मेरे गांव में। जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया बात बोली उन्होंने। गढ़पुर टापू की ये बात है, गढ़पुर टापू से सरपंच थे मैडम। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक हो ऐसा यहाँ पर शिक्षा का संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम एक रहे ऐसी शिक्षा का संदेश। हर आदमी को हर कौम को मैं खुश देखना चाहती हूँ, हर बच्चे को, और मैं हर बच्चे सर पसाती हूँ। वेरी गुड, जोरदार तालियां, बहुत सुंदर तरीके से बनने वाले हैं। गांव को स्वच्छ, ये प्लीज के सीटें खाली करवा दीजिए। कांता कांता सीटें खाली, ये क्या योजना होगी आपकी? यहाँ पर से भी बैठो को मेरा नमस्कार और मेरी बात आओ मुझे भी को मेरा नमस्कार और यहाँ पर हमारे मेरा नमस्कार। जैसे कि आगे साफ सुथरा बना सकते हैं, उसको हम बैठेंगे